जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। तो आज हम आए हैं रायपुर से 55 किलोमीटर दूर गांव टीला में, जहां पे महानदी के ऊपर एनीकट बना हुआ है और यहां पर शानदार गार्डन है। आप देख सकते हैं बहुत ही हरा भरा गार्डन है। इसकी सौंदर्यकरण कराया जाए तो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो दोस्तों, आप थोड़ी दूर यहाँ आएंगे अंदर तो आप देख पाएंगे कि हनुमान जी की मूर्ति 81 फीट यहाँ स्थापित की गई है, बहुत ही खूबसूरत। आइए आपको पास से दिखलाते हैं। जय महाबली। बृहस्पति देव, यहाँ बुद्ध देव है। जय महाबली, जय बजरंगबली। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हरा भरा जगह है ये, और ये है महानदी। महानदी के ऊपर एनीकट बना हुआ है, ये है एनीकट। तो दोस्तों, ये जगह है रायपुर से 55 किलोमीटर, चंपारण से 5 किलोमीटर दूर टीला गांव, जहां बजरंगबली की विशाल प्रतिमा 81 फुट ऊंचा विशाल हनुमान जी। दोस्तों, यहां देख सकते हैं, यहां बैठने के लिए जगह भी है और उस तरफ गार्डन है, आप उस तरफ से अंदर जा सकते हैं। हालांकि गार्डन थोड़ा छोटा है लेकिन सफिशिएंट है और काफ़ी हरा भरा है इतनी तपती धूप में भी। मुझे लगता है यहाँ के वर्कर्स अच्छे से ख्याल रखते होंगे। ये डिंग बनने से पधारा गया है, विराजमान किया गया है, बजरंग बली साक्षी है जी। और जो मनोकामना रहता है वो सिद्ध करता है। आडन गार्डन पर्यटक स्थल है। और आपका नाम? और सुशील दीवान जी। आप ही देखभाल करते हैं यहाँ का, जगह का? आओ जी। तो दोस्तों, देखा आपने, बाबा जी ने बताया ये डैम की स्थापना हुई उसी समय 81 फीट विशाल काय बजरंगबली की मूर्ति की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।